सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। ऑन 31 मार्च 2016 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिए, क्योंकि जो अकाउंट है वो क्लोज कर दिए गए हैं। कैपिटल अकाउंट किसका दिया है? पी का, क्यू का, आर का। स्टूड बुक कितने दे रखा है? 40,000, 30,000 और 20,000 क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमारे को। सब्सिक्वेंटली इट इज अ डिस्कवर, क्या किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ओमिटेड, जो हमने भूल चुके हैं, हमने जो देना था और हमने नहीं दिया है। प्रॉफिट लिखा है 31 मार्च 2016 कितना था? ये 60,000। तो ये तो आप एडजस्ट कर चुके हो, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। लिखा है पार्टनर ने ड्राइंग की थी 10,000, 7,500 और ये 4,500, ये भी आप एडजस्ट कर चुके हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तो ये पूरा साल दिया हुआ है, ठीक है ना? ये क्या है? 1 अप्रैल है, ठीक है ना? और ये क्या है? 31 मार्च है, ठीक है ना? और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दी गिवन है? क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है किसकी? पी की, क्यू की और आर की, ठीक है ना? क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी है? 40,000, 30,000 और ये 20,000, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कहता है कि आप इस साल में अंदर प्रॉफिट भी ऐड कर चुके हो। प्रॉफिट कितना हुआ था आपको? 60,000। और जिसको आपने किस शेयर, किस रेशियो में शेयर किया था? 3:2:1। तो 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, 6 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? एक हिस्से के अंदर 10,000 आएगा। तो कितने हिस्से देने हैं इसको? 3 हिस्से देने हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 30,000, 20,000 और ये 10,000, ठीक है ना? ये इनके कैपिटल के अंदर ऐड है। कहता है ड्रॉइंग भी की थी, ड्रॉइंग कितनी की थी इसने? जो पी ने ड्रॉइंग की थी वो 10,000 की, ठीक है ना? और जो क्या उन्होंने ड्राइंग की थी वो की थी 7,500 की, ठीक है? और जो आर ने ड्राइंग की थी वो की थी 4,500 की, ठीक है? तो क्या करो, 40,000 में से 30,000 का तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट आपकी कैपिटल कितनी रहेगी? ओनली 10,000। 10,000 की आपने ड्राइंग की थी तो कैपिटल कितनी रह जाएगी ओपनिंग? 20,000। नेक्स्ट कहता है 3,000 था, 30,000 के अंदर 20,000, तो आपका क्या था? 30,000 में से 20,000 तो आपका प्रॉफिट था, तो आपकी कैपिटल कितनी बच गई? 10,000। और 7.5 तो कितना हो जाता है? 17,500, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें 10,000, तो इसके अंदर प्रॉफिट था तो कितना रहेगा? 10,000। और ये कितना हो जाएगा? 14,500, ठीक है? अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5% था, ठीक है? अब क्वेश्चन के अंदर कहता है एंट्री पास करो। तो सबसे पहले क्या करो? टू टेक बैक रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है ना? चाहे प्रॉफिट को वापिस लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किससे लेना है? पी से, क्यू से और आर से, ठीक है ना? प्रॉफिट लेते हो तो इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कितना लोगे आप? 30,000। और कितना लोगे? 20,000। और कितना लोगे? 10,000। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 60,000, ठीक है? नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, जो क्या आप क्या कर चुके हो? भूल चुके हो। तो दे देंगे 5%। कितना है? 20,000 है, 17,500 है और ये कितना है? 14,500 है, ठीक है ना? 2 जीरो काट दो तो कितना हो जाएगा? 1%। हमें कितना चाहिए? 5%। तो 2,200 को कितने से करोगे? 5 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1,000 आ जाएगा। सेकंड केस में कितना आ जाएगा? ये था आपके पास 175, 175 × 5 मेरे पास आएगा 875, ठीक है? और थर्ड केस के अंदर कितना आएगा? 145 × 5 ये आ जाएगा 725। तो 725 प्लस 875 प्लस 1,000 तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आपका खर्च हो जाएगा 2,600, ठीक है? उसके बाद ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है? नहीं करना है। और कुछ देना है उनको? नहीं देना है। अब क्या करें? जो पार्टनर का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 60,000 में से 2,600 तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बाकी कितने बच गए आपके? ये बच गए आपके 2,000 के 58, 58 ये हो जाएगा 57 और 400, ठीक है?
57 और ये 400, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 60,000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 60,000। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसके बीच में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में, 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपके पास कितना था, 57,000, 57,400, ठीक है। इसको कितने से डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करोगे इसको 57,400 को, 57,400 को डिवाइड किससे करोगे आप, 3:2:1, तो कितना हो जाता है, 6 से डिवाइड करो इसको, 6 से डिवाइड करोगे 6 से, तो कितना आंसर आएगा, 9,566.66। तो कितना ले लेते हैं, 9,567 ले लेते हैं एक हिस्से के अंदर, ठीक है। तो एक को कितना देना है, एक हिस्सा देना है, दे देंगे इसको, कितना आएगा 9,567। एक को कितना है, 9,567 × 2, ठीक है। ये कितना हो जाता है, 19,134, ठीक है। प्लस कितना करो 9,567, और माइनस कितना कर दो 57,400, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ, 28,699, ठीक है। अब क्या करो, इनको टोटल करो, ये 60,000 है, ये कितना आ जाएगा 10,000, ये कितना आ जाएगा 20,000, और ये कितना आ जाएगा आपका 30,000, यहाँ कितना आएगा 29,699, यहाँ कितना आएगा आपका, ये था आपका 875, प्लस कितना करोगे 19,134, ठीक है। तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20,009, ठीक है। और अगर थर्ड केस की बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 725, प्लस क्या करोगे 9,567, ठीक है। ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10,292, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस देखो कितना है, यहाँ है 292, किसकी वजह से, क्रेडिट की वजह से। यहाँ कितने का फर्क आया, 9 का, ठीक है, किसकी वजह से, क्रेडिट की वजह से। यहाँ कितने का फर्क आया, 30,000 में से क्या माइनस करोगे, 2,969, तो ये आएगा 301 का, कितने का आएगा यहाँ पर, 301 का, किसकी वजह से, ये डेबिट की वजह से। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, एंट्री आपकी बनेगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कितने से, 301 से, टू क्यू कैपिटल अकाउंट कितने से, 9 से, टू आर कैपिटल अकाउंट कितने से, 292 से, ठीक है। तो ऐसे आपने इस एंट्री के साथ ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।